पर तुम हमें क्यों सुना रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास की दुनिया को ठीक तरह से समझो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों, ये बात तुम लोग कभी नहीं भूलना। क्या वो हर रात यही करते हैं? हाँ, और वो सभी बातें ऐसे ही होती हैं। वो चाहते हैं हम एक एक मिनट काम करें और सिर्फ पढ़ें। पर मैं शेर हूँ, पत्तियाँ खाना मुझे पसंद नहीं। एक मोटा चूहा मिल जाए तो मजा आ जाए। वो तुम्हें बड़ा और बलवान नहीं बनाएगा। पता है, मांस से ज्यादा पौष्टिक पौधे होते हैं। मुझे नहीं लगता। चक्कर तो देख सिम्बा, शायद तुझे पसंद आ जाए। रोजाना एक नया पौधा देंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, शायद कल इसका स्वाद अच्छा हो। अलविदा, जल्दी मिलेंगे। पत्तों के लिए शुक्रिया, कल थोड़ी देर से ही मिलेंगे। मैं इनकी सलाह नहीं मान सकता। ओ छोटे मियाँ, सुनो, सोने से पहले मैं ये जंगल के कायदे कानून की किताब तुम्हें सौंप रहा हूँ, ताकि तुम इसे पढ़ पाओ। ये रही, पकड़ लो इसे। तुमने आज क्या सीखा उसकी चर्चा रात में करेंगे, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूँ, देर हो चुकी है। अलविदा, मिलते हैं आज शाम को। मेरे पीछे चल सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अरे साथ में तो चल। मुझे भी उड़ना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? नहीं, तुम नहीं उड़ सकते, तुम्हारे पर जो नहीं है। सिम्बा चल ना। रुको, मैं आ रहा हूँ। शेर का बच्चा पानी पे चल रहा है। अजीब बात है, उसने पानी पे चलना सीखा कैसे? शेर खान को ये जाके बताना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। ए, कांडी, वो देखो। वो तो बक्षोट और सिम्बा है। महाराज नाराज होंगे, वो राजा का बच्चा अभी बाहर है और अब उन्होंने पानी पे चलना सीख लिया है। ये आंखों का धोखा तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता। हमें इसी वक्त शेर खान को इत्तला करनी पड़ेगी। हाँ, सही कह रहा है। ये मेरा फर्ज है। जब ये खबर शेर खान को मिलेगी तो अपनी छोटी चीज में मुझे खाने को नहीं देगा आगे से। महाराज। कोई खबर? महाराज, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बंदरों ने और मैंने देखा कि राजा का एक बच्चा और छोटा हिरन नदी पार कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो शेर राजा का। पागल मत बनो। अगर ये मजाक हुआ तो
मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। हे हे उठो अबे मूर्ख, कोई आ रहा है। ये लो, इससे तुम्हें जरा ठीक लगेगा। खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। अब जल्दी बोलो क्या बात है, मैं तुम्हें हमेशा माफ करता आया हूँ। शुक्रिया महाराज। खा लिया, अब घूमो इधर। जी? मेरी बात सुनो, जो भी है मुझे सच सच बताओ। यही सच है, सिंह और बक्षर पानी के ऊपर चल रहे थे महाराज। ये नामुमकिन है, कोई भी प्राणी पानी के ऊपर नहीं चल सकता मूर्ख। जानता हूँ, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, बंदरों ने भी देखा था। यही सच्चाई है। मेरे ख्याल से अपना बदला लेने वो शेर राजा का भूत ही वापस आया होगा। अभी तो भूतों पर विश्वास रखने लगा है। मुझे यकीन है तुमने जो देखा वो सब बकवास है। मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, समझे? मैं सच ही कह रहा हूँ, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते महाराज? बेहुदा बातें हैं ना। अब बंद करो ये सब और उन कीड़े मकोड़ों को मेरे पास लेकर आओ, उन्हें मैं ठीक करता हूँ। चल निकल अभी। आज के लिए बस इतना ही, कल वापस आ जाना। हे रोमान, क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे? सिम्बा, मैं नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि तुम शेर हो और तुम्हारे पंजे पानी में तैरने के लिए नहीं बने। कुदरत ने तुम्हें जमीन पर रहने के लिए ही बनाया है। मेरे जैसे? शुक्रिया, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। संभल के रहना बच्चों। शुक्रिया रोमन। देखो वो रहे। ओ, अगर वो मेरे हाथ से निकल गए तो महाराज मुझे सजा देंगे और फिर कभी खरगोश खाने को नहीं मिलेंगे। वो मेरे हाथ से निकल गए, मैदान की तरफ चले गए। सिम्बा संभल कर देखो तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ आसपास बहुत सारे फंदे हैं। बिना सर का शरीर? नहीं सिम्बा, थोड़ा पीछे आ। देख, ये हमारी दोस्त है सिल्वाना। उसकी गर्दन कितनी लंबी है। जंगल के सभी प्राणियों में सिल्वाना सबसे ज्यादा ऊंची है और सबसे अच्छी भी। कैसे हो बच्चों? ये हमारे राजा का बेटा सिम्बा है क्या? जी हाँ। तुम्हारी गर्दन ताड़ के पेड़ जैसी है। होशियार हो। ओ हाँ। और बदमाश भी। ओ, अब मैं नहीं रह सकता। मुझे मालूम है कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। आज इसका पहला ही दिन है और उसे अभी काफी कुछ सीखना है। आज हम अपने सारे दोस्तों से मिलने निकले हैं और ये धीरे धीरे तमीज से पेश आना सीख जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ मालूम है मुझे। और अब तुम्हें घर जाना चाहिए, सभी भेड़िया तुम्हें ढूंढ रही है। क्या हम यहाँ दोबारा आ सकते हैं? सिम्बा चलो चले। तुम्हारा जब भी जी चाहे आ जाओ। अब चलो घर। Ha 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 ha!